सूर्य दक्षिणी भारतीय फिल्म उद्योग में एक उभरती हुई अभिनेत्री है। वह 2000 के दशक की शुरुआत में एक बाल कलाकार थी और फैशन डिजाइन में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह प्रमुख भूमिका के साथ वापस लौटी। 2013 में कीर्ति सुरेश ने गीतांजलि नामक मलयालम फिल्म में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई और तेलुगु और तमिल भाषा में भी कई फिल्में साइन की। कीर्ति सुरेश का जन्म 17 अक्टूबर 1992 को चेन्नई, भारत में हुआ था। उनका जन्म प्रसिद्ध मलयाली फिल्म निर्माता सुरेश कुमार और प्रसिद्ध अभिनेत्री मेनका के घर हुआ था। कीर्ति की एक बड़ी बहन है जिसका नाम रेवाती सुरेश है, जो मुख्य रूप से BMSS विशेष के रूप में काम करती है और पहले शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के लिए काम कर चुकी है। कक्षा 4 तक कीर्ति सुरेश ने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में पूरी की। बाद में उन्होंने पल अकादमी में शामिल होने के इरादे से चेन्नई वापस लौटने से पहले पट्टन केंद्रीय विद्यालय और तिरुवनंतपुरम में अध्ययन किया, जहां उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपनी डिग्री पूरी की। कीर्ति सुरेश ने लंदन में अपनी इंटर्नशिप पूरी की और पहले 4 महीने से अधिक समय तक स्कॉटलैंड में एक चर्च में कार्यक्रम में भी समय बिताया। अभियान के अपना करियर बनाने के बावजूद कीर्ति ने खुलासा किया कि वह फैशन डिजाइनिंग में भी अपना करियर बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। 2000 के दशक की शुरुआत में कीर्ति सुरेश ने अपने पिता की कई पस्तियों जैसे अचने निष्टिकता, कुबरेना और पायलट में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। कुबरेना के 11 साल बाद कीर्ति सुरेश ने प्रियदर्शन की हॉरर फिल्म गीतांजलि में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अभियान की शुरुआत की, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। कीर्ति उस समय भी पढ़ रही थी। उन्होंने अपने पूरे सेमेस्टर अंतराल के दौरान गीतांजलि की शूटिंग की थी। वर्ष 2014 में कीर्ति सुरेश ने अगली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम रिंग मास्टर था, जिसका निर्देशन रफी मैकनिकर की जोड़ी ने किया था, जिसमें वह दिलीप के साथ दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने मलयालम के बाहर अपनी पहली परियोजना चुनी और एक साथ कई तमिल फिल्म परियोजना में अभियान करने के लिए हस्ताक्षर किया। इसके बाद कीर्ति ने शिवाकिनी के तरह साथ तेजी से 2 फिल्मों नशा अक्का और रजनी मुर्गान में काम किया, जबकि धनुष के साथ प्रभु सोलोमान की रेल में प्रमुख भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म आईना इष्टमा नुक्कैया में साइन की। कीर्ति सुरेश ने कलमातंगा फिल्म दर्बोनी की शूटिंग पूरी कर ली, जिसमें वह एक कश्मीरी लड़की के रूप में दिखाई देगी। कीर्ति एक फिल्मी पृष्ठभूमि वाले मलयालम परिवार से है, क्योंकि उनके पिता एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उनकी माँ एक तमिल अभिनेत्री थी जो 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी थी।